दोस्तों, आपने ये सॉन्ग तो जरूर सुना ही होगा, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। जी हाँ, ये गाना साल 1990 में आई फिल्म आशिकी का है, जिसके इस गाने में अभिनेता राहुल रॉय और अनु अग्रवाल बहुत ही अलग अंदाज में नजर आए थे। इनके इस अंदाज के साथ साथ गाने को भी लाखों करोड़ों दर्शकों ने खूब ज्यादा पसंद किया था भाई, तभी तो आज भी इनका ये गाना लाखों लोगों की जुबान पर चढ़ा रहता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज उस फिल्म को रिलीज हुए पूरे 31 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस फिल्म के ये दोनों ही कलाकार आज क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं? नहीं जानते ना, तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में हम आपको अंत तक यही बताने वाले हैं कि आपके ये दोनों फेवरेट अभिनेता यानी कि राहुल रॉय और अभिनेत्री अनु अग्रवाल इस अब कैसे दिखते हैं और वर्तमान में इनके क्या हालात हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन आप इन दोनों कलाकारों के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना गाने में अच्छा सा स्टेप करके लाखों दर्शकों के दिलों को लुभाने वाले अभिनेता राहुल रॉय का जन्म 9 फरवरी 1967 को कोलकाता में हुआ था, जिसके चलते इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई भी कोलकाता से ही पूरी की। वही बात की जाए इनके अभिनय करियर के बारे में, तो इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1990 में आई फिल्म आशिकी के साथ की थी, जिसमें इन्होंने राहुल का किरदार निभाया था और अपने भोले भाले सादगी भरे किरदार से लाखों करोड़ों दर्शकों के दिलों को भी चुरा लिया था। इनके इसी जबरदस्त अंदाज को देख कर कई और निर्माताओं ने अपनी फिल्मों में काम करने के मौके दिए, जिनमें प्यार का साया, जुनून और जन्म जैसी कई सुपर डुपर हिट फिल्में शामिल हैं और ये सभी फिल्मों में काम करके आज काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। वहीं इनके ऑपोजिट डांस करती हुई नजर आई अभिनेत्री अनु अग्रवाल हैं, जिनका जन्म 11 जनवरी 1969 को नई दिल्ली में हुआ था और इसी के चलते इनकी सारी पढ़ाई भी नई दिल्ली से ही पूरी हुई है। अगर बात की जाए इनके एक्टिंग करियर के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1988 में आई सीरियल इसी बहाने के साथ की थी, जिसमें इन्होंने जबरदस्त अभिनय प्रदर्शन करके लाखों करोड़ों दर्शकों के दिलों को चुरा लिया था, जिसके चलते इन्हें फिल्मों में कई और निर्माताओं ने अपनी फिल्मों में काम करने के मौके दिए, जिनमें किंग अंकल, जन्म कुंडली, राम शास्त्र जैसे कई सुपरहिट मूवीज शामिल हैं और इन्हें सब मूवीज में अच्छा अभिनय प्रदर्शन करने के बाद ही काफी ज्यादा मशहूर हुई थी। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना गाना आशिकी फिल्म का है, जिसको रिलीज हुए आज पूरे 31 साल पूरे हो चुके हैं और इन बीते 31 सालों में इस फिल्म में नजर आए मुख्य अभिनेता राहुल रॉय और अभिनेत्री अनु अग्रवाल काफी ज्यादा बदल गए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अभिनेता राहुल रॉय के बारे में, जो कि उनके अंदर जो बदलाव आए हैं उनके बारे में बता दें कि इन्होंने आज अपने 53 साल की उम्र पार कर ली है, जहां ये इस फिल्म में फॉर्मल ड्रेसेस कैरी करते हुए नजर आए थे और अपने बालों को थोड़ा बड़ा कर रख रहे थे, जिनसे ये बहुत ही ज्यादा मासूम और इनोसेंट से दिख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आज ये पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बदल गए हैं, अब ये फॉर्मल ड्रेसेस को कैरी करते हैं, लेकिन अब इनके बालों का हेयर स्टाइल काफी ज्यादा बदल चुका है। इतना ही नहीं, अब इनके चेहरे की झुर्रियां भी आ चुकी हैं और साथ ही साथ इनकी दाढ़ी मूंछ का रंग भी सफेद हो गया है, जिसके चलते अब ये बूढ़े दिखाई देने लगे हैं। आप इनकी तस्वीरों में भी साफ साफ आप इनके बदले हुए रूप को देख सकते हैं। इसी के साथ इन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को कंटिन्यू रखा हुआ है, जो कि साल 2020 में आई फिल्म आगरा में अभिनय करते हुए नजर आए थे। अब बात की जाए इनके पर्सनल लाइफ के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम राजलक्ष्मी है, जिनके साथ इन्होंने काफी सालों पहले ही शादी की थी, लेकिन साल 2014 में इन दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया और आज वो सिंगल ही अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए अब अनु अग्रवाल के बारे में, तो बता दें कि आज इन्होंने अपनी 52 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है और अब बात की जाए इनमें आए हुए बदलावों के बारे में, तो आपको बता दें कि ये सॉन्ग में फ्रॉक पहनती हुई नजर आई थी, साथ ही साथ एक पोनीटेल भी रखी थी, जिसमें ये पोनीटेल में काफी सिंपल और सादगी भरे अंदाज में दिखाई दी थी, लेकिन इनके चेहरे पर मासूमियत साफ साफ झलक रही थी, जिसमें बहुत ही ज्यादा अच्छी और क्यूट लगती थी। वहीं दूसरी तरफ इनके आज के बारे में बात की जाए, तो आज ये वेस्टर्न ड्रेसेस को कैरी करती है, इसके साथ ही इनके चेहरे पर जो पहले रौनक चमकती थी वो अब दिखाई नहीं देती है, मानो वो ढल सी गई हो, जिसके चलते ये बहुत ही कम खूबसूरत नजर आने लगी हैं, जैसा कि आप इनकी तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे। इसी के साथ ही साथ इन्होंने आज अपने एक्टिंग का करियर से दूरियां बना ली हैं और इन्हें लास्ट टाइम साल 1996 में आई फिल्म रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ में अभिनय करते हुए देखा गया था। अगर बात की जाए इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो फिलहाल ये सिंगल हैं और सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। तो दोस्तों, आपको इन दोनों ही कलाकारों में से किस कलाकार के आज वाले लुक को देखकर सबसे ज्यादा अच्छा लगा है और हैरानी हुई है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। साथ ही साथ ऐसी टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।